वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग को बताया गया था कि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स मार्च एंड तक कंप्लीट होगा, ये हो चुका है। अब अप्रैल में आपके साथ हम प्रैक्टिस सेशंस डिस्कस करेंगे, तो आज से आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रिपरेशन हो रहा है SSC CGL एंड CHSL एग्जाम्स का। जहां तक मैं बात करूं प्रैक्टिस सेशंस का, तो इसका डिजाइन हमने कुछ इस प्रकार किया है कि यहां पर आपके साथ हम दो दो पेपर जो है मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके डायरेक्टली SSC CGL का आया हुआ है और CHSL का आया हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसे मॉडल पेपर जो हमने खुद डिजाइन किया है, ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जहां तक मैं बात करूं आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, SSC CGL का 2020 टीयर 1 का डायरेक्ट एक शिफ्ट का पेपर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां 16 अगस्त 2021 में प्रीवियस ईयर शिफ्ट 3 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो सवाल पूछे गए थे, 25 सवाल डायरेक्टली जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और SSC CGL का एग्जाम आपके सिर पर है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इस प्रैक्टिस सेशन को जरूर देखिए, अच्छे से फायदा होगा आपका, जरूर फायदा होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जहां तक मैं बात करूं स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहली बात स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार होना चाहिए। देखिए आपके पास 60 मिनट्स है, कितना समय है आपके पास सवाल को सॉल्व करने के लिए, 60 मिनट यानी 1 घंटा। और सवाल कितने हैं, तो 100 क्वेश्चंस है, करेक्ट, जिसमें से आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ्स के, ठीक। इस जीएस के 25 क्वेश्चन को आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्योंकि भाई जीएस में आपका कोई ऐसा ट्रिक वगैरह रहता नहीं कैलकुलेशन का, या तो आपको उत्तर पता होगा या तो नहीं पता होगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जीएस का जो पेपर है वो सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर पर इंग्लिश जो है इसको आपको 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, बच गए आपके कितने 40 मिनट जो कि रीजनिंग और मैथ्स में जाना चाहिए। किसी किसी शिफ्ट में देखा गया है कि मैथ्स का बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रहता है, रीजनिंग इजी रहता है, कभी कभी रीजनिंग का डिफिकल्टी लेवल हाई कर देता है और मैथ्स का इजी रहता है, ठीक। ज्यादातर देखा गया है कि मैथ्स वाला जब डिफिकल्ट आता है तो सवाल बनता नहीं है, कई बार रीजनिंग का लेवल भी डिफिकल्ट किया गया, हालांकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट पूछता नहीं है रीजनिंग में, बट कभी कभी रीजनिंग भी डिफिकल्ट अच्छा खासा पूछा जाता है। तो ओवरऑल आपके पास 40 मिनट है यहां पर, और अगर मैथ्स का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आया तो आपको यहां पर 25 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, और अगर मैथ्स का पेपर इजी आया तो आपको यहां 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आपको 15 से 25 मिनट जो है रीजनिंग और मैथ्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओवरऑल जो है आपके पास 40 मिनट है इन दोनों सेक्शन के लिए। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस शिफ्ट का पेपर, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उस पे है, रिलेटेड है, कुछ ऐसे नए थ्योरम्स भी है जो यहां पर यूज होंगे, उसको मैं जब क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि क्या थ्योरम यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहां पर सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम देखेंगे। पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पहला सवाल पूछा गया। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैं पैटर्न बता रहा था तो सारी चीजें बताया था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सब आप यहां पर देखकर खुद ही एनालाइज भी कर सकते हैं कि कितने सवाल आ रहे हैं कौन से टॉपिक से, ठीक है। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, साइन के घात 4 है और 30 डिग्री है, और यहां कॉस 30 के घात में 4 है, -3 साइन स्क्वायर 45 है और 2 कॉस स्क्वायर 45 है। सिंपल है, आप लोग जानते हैं कि साइन 30 का मतलब होता है आधा, कॉस 30 का मतलब क्या होता है, तो √3/2। चाहे आप साइन 45 की बात करें चाहे कॉस 45 की बात करें, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, ये आप भली भांति जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में ही हमने ये सारी चीजें डिस्कस करके रखी है। तो बस यहां पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। तो देखिए ये पहला वाले ब्रैकेट की बात करें तो 4 है, 1/2 के घात 4 होगा तो 1/16 आएगा, ठीक। प्लस के बाद यहां पर कॉस 30 के घात में 4 है तो यहां पर √3 के घात 4 होगा, मतलब 3 × 3 = 9/16 आ जाएगा, करेक्ट। -3 साइन स्क्वायर 45 जो है आधा होता है, -2 × cos² 45, तो ये 2/2 होता है, करेक्ट। चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4 × ये हो जाएगा 10/16, ठीक। -3 × देखिए ये 1 हो गया, तो 1/2 − 1 होता है, माइनस का हाफ, तो -× - हो जाएगा प्लस का आधा, ठीक है। 4 से अगर हम इसको काटे तो 4 बार कटेगा, 2 से काटे तो ये 2 बार, और ये 5 बार कटेगा, तो 5 + 3 हो गया 8/2, मतलब 4 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में हमने जो रेशियोज देखा था, जो वैल्यूज देखे थे, उस वैल्यूज के ऊपर डायरेक्ट आया हुआ प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये 2 मार्क का सवाल आपसे निश्चित ही बनना चाहिए इस तरीके का प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो,
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दूसरी बात दी हुई है कि दे वर्क, द वर्क वॉज असाइंड फॉर रुपीज 4,500। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व्ड अशोक एंड द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन अ टोटल ऑफ 5 डेज। वॉट इज द अमाउंट टू बी पेड बाय अशोक? देखिए भाई, अशोक को इस 4,500 रुपए से कितना हिस्सा अशोक को मिलना चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो वेज वाला जो प्रश्न है, इसको मैंने आपको क्लियरली बता के रखा है टाइम एंड वर्क वाले सेशन में कि जो जितना काम करता है उसको उतने पैसे मिलने चाहिए। तो आपको बस ये निकालना है कि अशोक ने जो कार्य किया वो कितना फ्रैक्शन है। उसको करने के पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में, जैसे समीर के बारे में दिया है कि समीर इस काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक, डेज में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। दूसरी बात दी गई है कि पुनीत इस काम को 15 दिन में करता है। इन दोनों ने 3 दिन काम किया और उसके बाद अशोक को लाए, तो पूरा का पूरा कार्य जो है ये 5 दिन में हो चुका था। 3 दिन पहले काम किया और फिर टोटल काम 5 दिन में हुआ, मतलब ये तीनों मिलकर 2 दिन काम किए होंगे। लेकिन इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि अशोक ने टोटल काम किया तो कितना किया। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि यहां सबसे पहले वर्क जो समीर ने किया 10 दिन में तो पूरा काम करता है, तो अगर 3 दिन काम करेगा तो 3/10 कार्य समीर कर जाएगा अकेले। 15 दिन में पुनीत कार्य को करता है तो 3/15 कार्य जो है ये पुनीत कर जाएगा अकेले, करेक्ट। 3 से काटा जाए तो ये 5 बन जाएगा, मतलब 10 अगर यहां एलसीएम हो गया तो 3+2 आएगा, मतलब 5/10, मतलब आधा कार्य जो है ये सुमित प्लस पुनीत अकेले मिलकर आधा कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो शेष कार्य को बाकी तीनों मिलकर 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं और पूरा काम 5 दिन में हो रहा है। मतलब तीनों के तीनों मिलकर, अगर तीनों मिल जाए समीर पुनीत और अशोक, तो आधे कार्य को 2 दिन में करते हैं तो पूरे कार्य को 4 दिन में करेंगे, ठीक है। आधे कार्य को अगर ये 2 दिन में करते हैं तो पूरे कार्य को ये 4 दिन में करेंगे। ये सारी चीजें हमने टाइम एंड वर्क के वीडियोस में डिस्कस करके रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए आधा काम हो गया था, बचा हुआ आधा काम ये तीनों मिलकर करेंगे, मतलब 4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहां से अब आप निकाल सकते हैं कि अशोक ने कितना कार्य किया। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 60 आएगा, मतलब समीर का जो एफिशिएंसी है वो जाएगा 6, पुनीत की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी जो है वो जाएगा 15। तो ये समीर की एफिशिएंसी प्लस पुनीत की एफिशिएंसी प्लस अशोक की एफिशिएंसी है, इसका मतलब अशोक की जो एफिशिएंसी होगी इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यहां पर 10 आएगा तो अशोक की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 यूनिट की, 15-5। तो देखिए वर्क जो अशोक ने किया उतना ही वेज इसको मिलना चाहिए, तो 5 की एफिशिएंसी के साथ अशोक जो है वो 2 दिन कार्य कर रहा है कि नहीं भाई। देखिए यहां पर 3 दिन पहले हो गया था, अशोक जब आया उसके बाद टोटल 5 दिन में कार्य हुआ, यानी अशोक जो है वो 2 दिन कार्य कर रहा है, 3 गया और यहाँ पर टोटल 5 दिन, मतलब अशोक जो है 2 दिन कार्य कर रहा है और एफिशिएंसी 1 दिन में इसका जो कार्य क्षमता है वो 5 है, तो टोटल कार्य 5×2 करेगा और ओवरऑल हमारे पास जो कार्य है वो 60 का है, मतलब 60 का इतना हिस्सा जो है 10 हिस्सा वो कर रहा है। और पैसे कितने बांट रहे थे, तो 4500, तो इसमें गुणा 4500 कर लेते हैं तो अशोक के हिस्से में कितने पैसे आएंगे ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगर ये 10 है, 10 से इसको काट देते हैं, 6 से काटोगे तो 7 बार कटेगा, 42, फिर 30 आ रहा है तो 50 बार यहां पर जाएगा, ठीक है। तो बी जो है इतना रुपया जो है अशोक के हिस्से में आएगा। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर रेशियो के ऊपर प्रश्न है, रेशियो के ऊपर आधारित प्रश्न, डायरेक्ट आपको यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर आधारित प्रश्न दिया गया है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां दिया है फोर्थ प्रोपोर्शन इसका 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 बराबर है किसके, थर्ड प्रोपोर्शन इसके, तो आपको बताना है के का वैल्यू क्या है। देखिए भाई फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है दूसरे और तीसरे संख्या को मल्टीप्लाई करके पहले संख्या से बांट देना, यही होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ये हमने देखा है, डिस्कस किया हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना 6×6 और डिवाइड कर देना पहले वाले से, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 6 जो है इसका 3 गुना है, 6 जो है इसका एक साथ कट जाएगा, 3 जो है इसको 4 बार काटेगा, मतलब k जो है k का वैल्यू आ गया 4, k=4 आ गया, ठीक है। तो सवाल का सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आधारित ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर क्या दिया है, द गिवन बार ग्राफ शोज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टील इन 5 इयर्स फ्रॉम 2014 टू 2018। तो यहां पर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट to the average imports for the 5 years। तो आपको average imports और average export निकालना है, ठीक है, average export और average import निकालना है पांचों वर्ष का। तो आप लोग जानते हैं कि average निकालना जो है इसको तरीके बहुत सारे हैं, या तो आप सबको जोड़कर divided by 5 करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष है,
या आप डिविएशन अप्लाई कर सकते हैं, जो सुविधाजनक है, जैसा आपको कंफर्टेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां जो वैल्यूज दिए हैं, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, पहले आपको क्या चाहिए, निर्यात का औसत और आयात का औसत चाहिए। तो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, जो कि यहां पर ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर वाले वैल्यू का आपको एवरेज निकालना है यहां पर। तो बताइए भाई क्या लेने पर आसान रहेगा। सपोज करिए कि मैं अगर 500 ले लूं, एवरेज को मैं 500 मान के चलता हूं, 500, ठीक, एक्सपोर्ट का एवरेज मैंने 500 मान लिया, तो ये 400 है, ये 420 है, ये 550 है। तो 400 का मतलब माइनस का 100, 420 का मतलब माइनस का 80, ये 550 आ गया मतलब 500 से 50 ज्यादा, ये 580 आ गया मतलब 500 से 20 कम, ठीक, ये प्लस का 50 है, और लास्ट में 620 है जो कि 120 ज्यादा हो गया, 120 ज्यादा हो गया, ठीक। डिवाइडेड बाय, टोटल पांच वैल्यू है तो डिविएशन में भी 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, बताइए भाई कितना आ जाएगा। देखिए ये 120 प्लस में है और ये 100 और माइनस का 20, माइनस में 120 प्लस का 120, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब क्योंकि यहां माइनस का 80 है, प्लस का 50 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 30, और अगर इसको काटे तो 6 बार कट रहा है, माइनस 6 मतलब ये हो जाएगा 494 हो गया आपका एक्सपोर्ट। अगर 494 है मतलब ऑप्शन जो है ये दोनों सही होने की संभावना रखते हैं, 247 वाला वैल्यू। ठीक है, चलिए एनीवेज दूसरा आपको इंपोर्ट भी निकालना होगा क्योंकि आप दो ऑप्शन में फंस रहे हैं। तो इंपोर्ट की बात करें तो 350, 380, 420, 450 और यहां पर एक और वैल्यू जो दिया हुआ है ये आपका 580 दिया। तो मान के चलते हैं यहां पर कोई भी औसत आप ले सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। जैसे कि मैं अगर 400 मान लूं एवरेज को, 400 मानने पर ये वाला जो वैल्यू है माइनस का 50 हो गया, 380 जो है माइनस 20 हो गया, ठीक है, इसके बाद 420 हुआ तो प्लस का 20, और ये जो 450 है ये प्लस का 50, और जो लास्ट वाला वैल्यू है 180 ये प्लस का 180 जो है प्लस का 180 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला वैल्यू 580 था, ये प्लस का 180 आगे चला गया। अब देखिए यहां से डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 50 प्लस 50 माइनस 20 प्लस 20 कैंसल हो गया, 5 जो है इसको काटेगा 180 को 36 बार, 36 प्लस इतना जोड़ने पर 436 आता है, 436 वैल्यू, क्लियर। अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो बन जाएगा 247, रेशियो में यहां पर आ जाएगा 247:218, मतलब जो डी है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्ट थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो जहां पर मैंने आपको सारे थ्योरम्स बताए थे वहां पे मैंने थेल्स थ्योरम भी डिस्कस किया था, ये सवाल डायरेक्टली आपके थेल्स थ्योरम का है, या आप इसमें सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एबीसी ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, एक लाइन को पैरेलल देकर सवाल पूछना, डीई जो है पैरेलल है एबी के, तो पैरेलल एबी के कुछ इस तरीके से, जिसमें डी कहां है, डी और ई जो है एसी पर है, मतलब एसी पर ये वाला डी है और बीसी पर जो है ये ई है, तो ये जो डीई है ये पैरेलल दिया हुआ है एबी के, साथ में बाकी जो वैल्यूज है उसको भी लिखना होगा। तो एडी का वैल्यू जो है एक्स माइनस 3 है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 3 का आपको दिया हुआ है, और बीई का वैल्यू जो है ये एक्स दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू छोटा सा जो है एक्स दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद यह है बीसी का वैल्यू, और बीसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, चलिए एडी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 3, एसी का वैल्यू है 2x, तो ये एसी जो है यहां से यहां तक का वैल्यू 2x दिया हुआ है, ठीक है, और बीई का वैल्यू x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 होगा, और साथ में जो पूरा का पूरा आपका बीसी है, बीसी का मतलब यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू जो कि है 2x प्लस 3, ठीक है। तो सिंपल आप थेल्स थ्योरम में जो जो वैल्यूज को रेशियो ले रहे हैं दोनों तरफ उसका लेना पड़ेगा, जैसे एडी बटा एसी बराबर बीई बटा बीसी हो जाएगा, तो इसका रेशियो लेने पर वैल्यूज जो है वो सेटिस्फैक्टरी रहेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एडी मतलब एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से अगर बीई लिया जाए एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा 2x प्लस 3, ये दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे थेल्स थ्योरम के तहत। अगर आपने एडी और एसी का रेशियो लिया है तो यहां भी बीई और बीसी का रेशियो लेना होगा, यही आपका थेल्स थ्योरम कहता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको, अगर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो चीजें बहुत सिंपलीफाई हो जाएंगी। अगर मैं यहां से 2x प्लस 3 को यहां भेज देता हूं, 2x को यहां भेज देता हूं, तो ये x जो है दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x आएगा, माइनस का 6x माइनस का 9 आएगा, ठीक। 2x को यहां भेजा जाए तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x होगा, ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कट गया, ठीक है। और जो वैल्यू क्या आ रही है उसको देख लेते हैं एक बार, ये 9 को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो
9 प्लस में आ जाएगा, 4x को यहां भेज देते हैं तो 4x इसमें 7x बनेगा, 7x माइनस 6x x होता है, तो x बराबर वैल्यू 9 आ रहा है। ठीक है, तो सी जो है सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एक सवाल देखने को मिला, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन को। यहां देखिए डिवीजन और ऑफ के ऊपर आधारित जब भी प्रश्न होता है तो पहले ऑफ होता है, उसके भी पहले ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उसको भी सॉल्व करने होंगे। तो यहां इस वाले ब्रैकेट की मैं बात करूं, लास्ट वाले ब्रैकेट की, तो 20, ठीक है, आखिरी वाले ब्रैकेट की बात करूं 20 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 जो है दोनों में डिवीजन लगेगा, इस तरीके से आपका आखिरी ब्रैकेट है। माइनस ये जो पिछला वाला ब्रैकेट है इसकी बात करें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया हुआ है इसमें पहले ये वाला सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा 2, और क्योंकि यहां डिवीजन के बाद ऑफ है तो डिवीजन केवल इस पर लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो है 8/5, वो कितना है 8/5, और इस ब्रैकेट के बाहर हम बात करें तो मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन के आगे 25 डिवाइडेड बाय ये ऑफ है, तो ऑफ पहले होता है, तो ऑफ पहले करने का मतलब इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करें तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 60, यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 दोनों के दोनों नीचे आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद डिवीजन लगता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, फिर डिवीजन लगाने पर 1/60 हो जाएगा, तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो यहां पर आपको बस ये रूल याद रखना है, वी बॉड मास, इस रूल के तहत ही आपको सॉल्यूशन निकालने हैं सिंप्लीफिकेशन के, डिवीजन ऑफ और मल्टीप्लीकेशन, यही वाला पार्ट कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ऑफ पहले आता है, डिवीजन बाद में, मल्टीप्लीकेशन उसके भी बाद में, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर कई बार आपके एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो था वहीं पे सारी चीजें डिस्कस की है डिटेल में, उसको आप देख सकते हैं। चलिए अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 25 जो है इसको 5 बार काटेगा और 3 बन जाएगा, ये जो 5 है इसको 5 को काट देगा, ये अच्छा ठीक है, ये 4 जो है इसको 2 बार काटेगा, मतलब ये जो है 2/3 बन गया। इसकी बात करें 5 है तो इसको 4 बार काटेगा तो माइनस का 4/9 आ रहा है, अगर एलसीएम लिया जाए तो 9 आएगा, 3 से काटोगे तो ऊपर 6 - 4 मतलब कितना होगा 2/9 आ गया, मतलब ए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीस 2,91,600 इन 2 इयर्स एंड 3,14,928 इन 3 इयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 40,000 एट द सेम रेट फॉर 2 इयर्स। तो आपको यहां पर यदि अमाउंट फॉर 2 इयर्स दिया है, अमाउंट फॉर 3 इयर्स दिया हुआ है, इससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भली भांति जानते हैं, क्योंकि यहां जो इंक्रीमेंट होता है वो आर परसेंट का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां जो वैल्यूज दिया हुआ है 2,91,600 रेशियो 3,14,928, इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक, किससे कटेगा ये वैल्यूज। लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को देखने से समझ आ रहा है यहां 16 का स्क्वायर है जो कि 4 का स्क्वायर होता है, और जो 29 है ये 25+4 है। अब देखिए कुछ बातों को याद करने की कोशिश करिए जो हमने कैलकुलेशन ट्रिक्स में सीखा था शुरुआती तौर पर पहले ही वीडियो में। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है ये आपका 54 का स्क्वायर है, मतलब ये जो 2916 दिया है कुछ और नहीं है, 54 का स्क्वायर है, तो 54 के जो फैक्टर्स है उससे काटने की कोशिश करते हैं। जैसे 9 इसका फैक्टर है तो क्या ये वैल्यू 9 से कट रहा है, 1+8 9 होता है, ये 9 भी कटेगा यहां पर, और 2+4+3 भी 9 होता है, मतलब ये पूरा का पूरा डिजिटल सम इसका 27 आ रहा है जो कि 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हम यहां पर 9 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 9 से काटोगे 3 बार जाएगा 27, 21 आ रहा है, 2 × 18 फिर 36 आ रहा है, 4 × 00, ठीक है, इसको भी 9 से काट लेते हैं, 3 × 27 फिर 44 आ रहा है, 44 जाएगा 4 × 36 से, यानी कि यहां पर 8 रिमाइंडर बचा, 89 जो है 9 टाइम्स जाएगा 81 से, फिर 82 आया तो 9 टाइम्स जाएगा 81 से, फिर 18 आया तो 2 बार जाएगा। एक बार और इसको 9 से कट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर जो वैल्यू है फिर से 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, 18 का स्क्वायर है, 9 से कट कर लेते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा 27 से, 54 आ रहा है, 6 × 0 कट हो गया, ठीक है। इसको भी अगर हम 9 से कट करें तो वैल्यू फिर से यहां पर जाएगा आपका 3 × 27, 79 आ रहा है तो 8 times, फिर 79 आ रहा है तो 8 times, फिर 72 आ रहा है तो 8 times, तो सारे के सारे 3888 आ गया। अब एक बार 6 से कट करते हैं, 6 से कट करोगे तो 600 आएगा, और यहां पर कितना आएगा 6 × 36, फिर 28 आ रहा है तो 4 × 0, फिर एक बार यहां पर 48 आ रहा है तो यहां पर 8 times आएगा 648। अब अगर 6 से कट करो तो यहां 100 आएगा, और यहां पर जो वैल्यू आएगा ये आपका 6 times काटने पर 10, ठीक है, 8 आ जाएगा, मतलब कि आपका जो अमाउंट है ये किस रेशियो में बढ़ रहा है, तो ये 8% के रेट के हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब अमाउंट यहां पर अगर 100 है तो ये 108 है, मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, तो हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया 8% के हिसाब से बढ़ रहा है हर वर्ष।
अगर ये 8% के हिसाब से बच रहा है, 40,000 जो है ये आपका प्रिंसिपल, दो वर्षों की बात हो रही है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, हर साल आपका 8% लगता है, मतलब 16% वैल्यू आपको निकालना है किसका, 40,000 का। तो दो जीरोस तो यहां पर परसेंटेज हटाने में चल जाएंगे, 416 या 64 होता है, आगे दो जीरोस लग गए तो 6400 जो है आपका यहां पर इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। अ बोट गोस 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। इन द सेम टाइम इट कैन गो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखिए भाई, यहां पर आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है, और टाइम बराबर क्या होता है आप सब जानते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, होता है कि नहीं होता? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर यहां पर आपको समय निकालना है तो क्या दिया हुआ है कि 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम स्पीड यूएस होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड डीएस होता है। तो 27 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड, इतना टाइम लगा होगा उसको जाने में अपस्ट्रीम, 33 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड, इतना समय लगा होगा डाउनस्ट्रीम, तो टोटल कितना लगता है, 6 घंटे लगते हैं। इसी प्रकार इसको यहां पर भी 6 घंटे लगते हैं जब ये 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है प्लस 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, इसमें भी उसको 6 घंटे ही लगते हैं। अब इन दोनों को यूज कैसे किया जाए, देखिए भाई मैं अब क्या करूंगा, ये जो पहला समीकरण का जो पद है इसको और तीसरे वाले में जो पद है यहां पर, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इससे क्या होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का आपके पास रेशियो निकल के आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर आप इस चीज को समझना कि अपस्ट्रीम के ऊपर 36 है, अपस्ट्रीम के ऊपर यहां पर 27 है, तो इन दोनों को घटाने पर 9/ अपस्ट्रीम आ जाएगा, यहां 33 है 22 है, तो इन दोनों को घटाने पर 11/ डाउनस्ट्रीम आ जाएगा। मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है हमारे पास, और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। अपस्ट्रीम अनुपात डाउनस्ट्रीम जो है ये कितना है, 11:1, ठीक है, 9:11 है ये, 9:11। तो अगर मैं इसे x मान लूं इस तरीके से, तो यहां से आप इसका वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इधर 9x डालोगे तो ऊपर 3/x आएगा, यहां पर 3/x आएगा, 3/x आएगा, यहां पर जब आप 11 डालोगे तो यहां पर भी 3/x आएगा, और दोनों को जोड़ने पर 6/x आ रहा है जो कि 6 के बराबर है, 6 घंटे के बराबर, मतलब x का मान 1 है। तो यहां से आपको ये समझना होगा अपस्ट्रीम का स्पीड कुछ और नहीं है 9 किलोमीटर है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कुछ और नहीं है 11 किलोमीटर है। अब सवाल में जो पूछ रहा था वो तुरंत निकल जाएगा, अगर अपस्ट्रीम स्पीड 9 है तो 36/9 करना 4 घंटे लगेंगे, डाउनस्ट्रीम अगर 44 किलोमीटर जाना है, अपस्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाना है तो 36/9 4 आवर्स, 44/11 ये भी आपका 4 आवर्स दे देगा, जो कि टोटल वैल्यू आ जाएगा 8 घंटे, ठीक है 8 घंटे। तो जो डी है सवाल का सही उत्तर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां से। द एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 156। तो एक समूह के कुछ छात्रों का औसत ऊंचाई जो है 156 दिया था। फिर बोला है यदि 160 यानी कि 5 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 160 ज्वाइन द ग्रुप, देन द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 0.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इनिशियली। तो देखिए डिविएशन का बहुत ही बेहतरीन यूज करके मैं आपको यहां पर सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि डिविएशन जो है यही आपको इस तरीके के प्रश्न में फटाफट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बता सकता है। देखिए अगर मैं यहां पर देखूं कि अभी स्टार्टिंग में जितने बच्चे थे वो अगर एक्स थे तो इसका टोटल वैल्यू जो था वो था 156 सेंटीमीटर, ये एवरेज था। जब 5 बच्चे जुड़ गए तो यहां पर एक्स प्लस 5 जो है इसमें हमारा जो औसत है वो 156.8 हो गया, मतलब जो डिविएशन बना वो 0.8 का बना, ठीक है 0.8 का जो डिविएशन है ये बट रहा है इतने लोगों में, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आया वो इसमें इतने लोगों में बट गया। ध्यान ये देना है कि एक्स्ट्रा कौन आया, तो 5 लोग आए और 5ों का जो औसत हाइट था वो 160 था। अब समझना यहां से बहुत केयरफुली कि मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर 156 जो था वो पहले था, यदि ये जो 5 बच्चे नए आए इनका भी अगर 156 ही हाइट होता तो यहां 0.8 का डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि यहां 5 बच्चे आए जिनका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 4 × 5 यानी टोटल जो हाइट होगा सम में वो 20 का हाइट यहां पर इंक्रीमेंट होगा, और एवरेज यहां पर 0.8 है तो 0.8 से इसको बांट लेते हैं, 0.8 से यदि इसको बांटा जाए तो आएगा 25। ये है भाई एक्स प्लस 4 का मान, क्योंकि x प्लस 5 का मान, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है वो इसमें बटने वाला है। बात समझ भाई, देखिए भाई मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि सम डिवाइडेड बाय एवरेज जो होता है ये नंबर के बराबर होता है, क्योंकि एवरेज बराबर सम बाय नंबर होता है। तो अगर x प्लस 5 यानी कि जो
एक्स्ट्रा वैल्यू निकल के आया है वो किस में बट रहा है, तो सारे बच्चों में, नए बच्चों में बट रहा है, जो कि 25 के बराबर है। तो एक्स जो है यानी कि स्टार्टिंग में, शुरू में समूह में कितने लोग थे, तो वो तो एक्स लोग थे। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो 20 बच्चे स्टार्टिंग में थे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा, और ज्यादा अच्छा तरीका यही कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A trader bought two articles for rupees 490. He sold one at a loss of 20%. तो loss of 20% मतलब 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब CP और SP का जो रेशियो, एक को 5 में खरीदा तो बेचा 4 पे, ठीक है, क्योंकि इतने का लॉस हो रहा है। 16% के प्रॉफिट पर दूसरे को बेचा, तो 16% का मतलब 16/100, अगर 4 से काट दिया तो 4/25 आएगा, मतलब अगर यहाँ 25 है तो प्रॉफिट हो रहा है 4 का, तो 29 आपका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन यहां पर एक इंफॉर्मेशन दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड फॉर 20%, मतलब आपको इसका मान निकालना है, लेकिन उसके पहले बोल रहा है भाई कि सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। तो अगर सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, क्या हमारे रेशियो में बैलेंस है क्या चीज, यहां पर 4 यहां पर 29, ये तो गलत है, मतलब दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस रेशियो को सही करना जरूरी है पहले। तो मैं ऊपर वाले में 29 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले में 4 मल्टीप्लाई करूंगा। तो CPSP का रेशियो कुछ इस प्रकार रहेगा, 29 मल्टीप्लाई करने पर 116 यहां पर, और 29 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 145, ठीक है, और 4 इसमें मल्टीप्लाई करने पर इस पे भी 4, मतलब 100 का 116 हो गया ही। अब सही है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, पहले वाले को आप 20% के नुकसान में बेच रहे हैं, दूसरे वाले को 16% के लाभ पर बेच रहे हैं, सारी चीजें यहां पर सेटिस्फाइड। तो अब यहां से आपको दिया क्या है कि कॉस्ट प्राइस जो टोटल था वो कितना था, 490 था, यहां पर दोनों को आपने 490 पे खरीदा, इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो वैल्यू, आप कहेंगे कि सर ये तो 245 आ रहा है, और सवाल में कितना दिया हुआ है, तो 490 दिया है, मतलब 2 गुना 490 दिया है, जो कि है 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो यहां पर भी तो 2 गुना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस ही आपसे पूछ रहा था, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको निकालना क्या है, 20% हानि पर जो बेची गई थी उसका क्रय मूल्य निकालना है, तो उसका क्रय मूल्य 145 है, इसका भी 2 गुना करोगे तो 290 आएगा, 290, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, अगेन यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से वैल्यूज के ऊपर बेस्ड सवाल है, लेकिन उसमें भी जो एडवांस्ड आइडेंटिटीज के क्वेश्चन मैंने लिए थे वहां पर आपको बताया गया था कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है, साइन ए माइनस बी याद होगा आपको, यह होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो देखना, वहां पे इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन हुआ है। आप देखेंगे यहां साइन 60 है, फिर कॉस 30 है, फिर कॉस 60 है और साइन 30 है, मतलब ए का काम कर रहा है 60 डिग्री और बी का काम कर रहा है 30 डिग्री, जो कि अल्टीमेटली साइन 60 माइनस साइन 30 के बराबर होगा, मतलब कि साइन 30 डिग्री, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू है आधा। इस डिनोमिनेटर में बार बार इन चारों वैल्यूज को डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली एडवांस्ड आइडेंटिटी के तहत आप इसको ओरली माइंड में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हाफ है, क्लियर। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको सारी चीजें लिखनी होगी, साइन 60 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू, और कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी भी सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। बट ज्यादा बेहतर है कि अगर आपने एडवांस आइडेंटिटीज को याद रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 वीडियो में मैंने बताया था इस फॉर्मूले को, उसके तहत फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। ऊपर के वैल्यूज देखिए, यहां पर अब आपको वैल्यूज डालने होंगे, इसका टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, मतलब 1/√3, तो ये 1/3 हो जाएगा। साइन 90 होता है 1, कॉट 60 डिग्री फिर से 1/√3 होता है, तो 1/3 आएगा स्क्वायर करने पर। ये आधा होता है, आधा का स्क्वायर करोगे तो 1/4, ये 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। मतलब टोटल जो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है तीसरे यहाँ पर, तो ये 1/8 आ जाएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय आधा तो नीचे बैठा ही हुआ है पहले से, इस आधे को अगर न्यूमरेटर में लेकर जाए तो डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि डिविजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल लिया जा सकता है, ठीक। यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो बताइए भाई कितना आएगा, इस 2 बार 1/3 1/3 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बार 2/3 लिख सकते हैं, इसको 2/3 बना लेते हैं, ठीक। और दूसरी बात आप देखें तो 12 के टर्म्स में चली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे 24 बना दूं 24, तो ये 24 यहां पर आ जाएगा, एलसीएम लेने पर 24 आ रहा है, 3 से काटोगे 8, तो यहां 16 आ गया, 8 से काटोगे तो 3, तो 3 यहां पर आ गया, 2 यहां बैठा हुआ है, 2 से काटने पर यहां पर 12 आता है, इसको यदि हम जोड़े तो 27 आएगा, ठीक है, 16 और इसको जोड़ दिया जाए तो 40 + 3 यानी 43,
डिवाइडेड बाय 12 होगा, 43 डिवाइडेड बाय 12, मतलब सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अब जो वैल्यूज दिया हुआ है, आपको दिया है कि p माइनस 2q का वैल्यू जो है यह आपका 3 है और pq का वैल्यू जो है 5 है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो एकदम तुरंत इसको देखते साथ समझ जाते हैं कि p का वैल्यू जो है ये 5 है और q का वैल्यू जो है वो 1 है। तुरंत देखते साथ आपको क्लिक कर जाता है कि p का वैल्यू 5 है और q का वैल्यू 1 है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर दिमाग को इस तरीके से दौड़ाते हैं कि मैं यहां पर क्या वैल्यू रखूं कि तुरंत वैल्यू आ जाए। क्योंकि देखिए p का वैल्यू 5, q का वैल्यू 1 डालोगे तो 5 माइनस 2 का 3 आ रहा है, 5 * q जो है 5 आ रहा है। सेटिस्फाइड? तो यहां सेटिस्फाई होगा 125 माइनस 8, ठीक है, तो 117 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको सोचना आना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जिसके तहत आप इसको पी माइनस टू क्यू का होल क्यूब माइनस ऑफ, अच्छा प्लस आएगा 3 इंटू ए बी होता है तो पी इंटू टू क्यू होगा, यानी कि 6 पी क्यू लिख सकते हैं यहां पर, 6 पी क्यू और ब्रैकेट में आ जाएगा पी माइनस टू क्यू, और पी माइनस टू क्यू का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, तो आ गया भाई 27 प्लस ये आ जाएगा 90, जोड़ने पर कितना आ रहा है 117 आ रहा है। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो भी फटाफट हो जाएगा, बट उससे भी ज्यादा तेज तरीका यह है कि आपका जो दिमाग है इस तरीके से दौड़े कि आपको समझ में आए कि पी का वैल्यू 5 है, क्यू का वैल्यू 1 है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके हिस्टोग्राम के ऊपर मीन का क्वेश्चन है, यानी एवरेज का क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको समझिएगा, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझना बस आपको पड़ेगा कि यहां पर जो डेटा दिया इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। देखिए सवाल को समझिए पहले, दिया क्या है, यहां दिया है इन अ फैक्ट्री देर आर 39 वर्कर्स, तो अगर हम इसको टोटल करें तो देखेंगे आप कि 11 प्लस 9 कितना, तो 20 हो गया, 20 में इस 12 को जोड़ोगे तो यहां पर टोटल आ गया 32 प्लस 5 प्लस 2 करोगे 7, यानी कि 32 प्लस 7 39 होता है। तो आपको यहां 39 वर्कर्स है दिया हुआ है, और 39 वर्कर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां दिया हुआ है। डेली वेजेस यहां पर दिया हुआ है ए बी सी डी ई, 4 अलग अलग यहां पर ग्रुप्स बना दिया गया जिसमें रेंज ऑफ वेज जो है वो 100 के मल्टीपल है, मतलब 200 से 300 के बीच में 5 लोग हैं जो कि ए ग्रुप में, ठीक है, 300 से 400 के बीच में बी ग्रुप में, टोटल यहां 9 लोग हैं, 400 से 500 के बीच में यहां पर कितने हैं 12 लोग हैं, 500 से 600 के बीच में डी ग्रुप 11 लोग, और 600 से 700 के बीच में ई ग्रुप जो कि है 2 लोग, ठीक है। इट इज एंश्योर दैट द डेली वेजेस ऑफ नो वर्कर इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो किसी भी वर्कर का एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 100 पर वेज नहीं है, 200 का नहीं है, 300 का नहीं है, मतलब जो 5 लोग हैं इनका एग्जैक्टली 200 और 300 के बीच में ही एवरेज होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। अब यहां पर आपको बताया इफ टू मैनेजर्स आर एंगेज टू सुपरवाइज द वर्कर्स विद डेली वेजेस रेंजिंग बिटवीन 700 एंड 800, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द ऑल द नंबर ऑफ स्टाफ इन द कंपनी। अब देखिए सवाल में बोल रहा है 700 से 800 के बीच में, तो देखिए 7 और 8 यहां कहीं पर आएगा, 8 इसके बीच में हम 2 और मैनेजर्स को रख रहे हैं, मैनेजर्स को हम रख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हायर वेज पे मैनेजर्स को रख दिया कि इन सबको आप मैनेज करिए, और बोल रहा है कि अब आप बताइए एवरेज क्या होगा। देखिए मीन जब निकालने की बात होती है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने वेटेड एवरेज में देखा था, लेकिन जब रेंज की बात होती कि 200 से 300 के बीच में इतने लोग, 300 से 400 के बीच में, तो वैल्यू ले तो क्या ले, ये तो समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेना है ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इसके एवरेज को आपको एवरेज मानना है, मतलब 200-300 है, 200-300 का एवरेज कितना हो गया 250, तो ए ग्रुप का एवरेज जो है वो 250, मतलब 250 रुपए के आपके पास कितने लोग हैं 5 लोग हैं, 300 से 400 के बीच में 350, ये सबका जो वेज है आपको 350 ही मानना होगा, ठीक है, 4 से 5 के बीच में 450 लोग हैं ये इसका एवरेज हो गया, 5 से 6 के बीच में 550 लोग, 550 एवरेज, 6 से और 700 के बीच में 650 एवरेज, और इन दोनों मैनेजर्स का 750 का एवरेज वेज है ये हम मान के चलेंगे। अब एक तरीका है कि आप यहां पर वेटेड एवरेज लगाएं कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 250, 9 मल्टीप्लाइड बाय 350, 12 मल्टीप्लाइड बाय 450, 11 मल्टीप्लाइड बाय 550, 2 मल्टीप्लाइड बाय 650, 2 मल्टीप्लाइड बाय 750, होल डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं 39 लोग वर्कर्स पहले थे, 2 और आ गए तो 41 हो गए, डिवाइड बाय 41, इससे आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। बट ऐसी गलती मत करना, आपके पास जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपके पास कितना समय है, तो 60 मिनट है, और सवाल सॉल्व करने के लिए 100 क्वेश्चन है, और वो भी ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी जो कि कैलकुलेटिव है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व ना कर सके।
आपको फटाफट क्वेश्चन रीड करके कोई भी एक एवरेज मान लेना है और एज्यूम्ड मीन से यानी कि आप यहां पर जो है डिविएशन लगाकर सॉल्व करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि 450 जो है एवरेज है, 450 को मैंने एवरेज मान लिया, तो 450 का जो डिविएशन होगा वो होगा जीरो का, होगा कि नहीं? अरे भाई 450 का जो डिविएशन है, 12 लोग का डिविएशन जीरो हो गया। ये जो 450 आगे है इसका डिविएशन प्लस का 100 रहेगा और इसके पीछे वाले जो 350 है इसका डिविएशन 100 करेगा। तो जो आगे वाला 100 है और पीछे वाला 100 इसको हम एक साथ क्लब कर लेते हैं। कैसे, समझिएगा, आगे वाले 100 में 11 लोग हैं, पीछे वाले 100 में 9 लोग हैं, तो 11 और 9 ये प्लस होना है माइनस होना है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना, दो मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये ज्यादा है तो प्लस 2 यानी प्लस का 200 यहां पर लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाले में आप डिविएशन लेंगे 450 से, तो इसका प्लस का 200 का डिविएशन है दो लोग में, और इन वालों का माइनस का 200 का डिविएशन है। बात समझ में आ रही? अब समझिएगा कि इसमें 250 लोग हैं जो कि यहां 5 थे, तो 5 लोग का ऐसे हैं जिनका 200 माइनस का डिविएशन है और साथ में 200 का प्लस का डिविएशन वाले दो लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां 200 को 5 में मल्टीप्लाई करना, 200 को 2 में मल्टीप्लाई करना, ऐसे नहीं करेंगे। ये 5 था, ये 2 था ना, तो माइनस का 5 ले लेंगे यहां, माइनस का 5 और प्लस का 2, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 में 200 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 600 यहां पर आएगा डिविएशन, माइनस का 600 डिविएशन। क्लियर है? माइनस 600। लास्ट में यहां पर ये जो मैनेजर्स एक्स्ट्रा आ गए, इनके वजह से जो है थोड़ा सा और एवरेज में फर्क पड़ेगा। इनका जो एवरेज है प्लस 300 आगे है और प्लस 300 में दो लोग हैं, तो प्लस का 600 और आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आपको 41 करना है। और मजे की बात यह है कि प्लस का यहां 600 माइनस का 600 तो कट ही गया, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई भी करना है, तो मैंने आपको एवरेज के वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना भी एक कला है, उसमें भी आप जैसे कि एवरेज की जब मैं बात किया था तो डिविएशन जो है यही आपको बचा सकता है एवरेज के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए। तो डिविएशन के तहत आप यहां 450 प्लस 200 डिवाइड बाय 41, इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ये 40 होता समझिएगा बात को, ठीक है, अगर ये 40 होता तो इसको पूरी तरह से 5 बार काट लेता, लेकिन यहां पर 40 नहीं, अप्रोक्सीमेट हम देखें तो 455 इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो ए इसका सवाल हो उत्तर होगा, तो ए जो है सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, एबीसी इज एंड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ such that angle ACB is equal to 115, O is joined to A, what is the measure of angle OAB? एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है O। अब बहुत ध्यान से आप इसका डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे कि ACB है जो एंगल वो है 115 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल एबीसी की मैं बात करूं तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और जब भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है तो जो एंगल ऑब्ट्यूस होता है उसके ऑपोजिट साइड में इसका सर्कम सेंटर होता है, मतलब सी यहां कहीं होगा, सी यहां कहीं होगा, ए यहां होगा, बी यहां होगा, और ये वाला एंगल जो है 115 डिग्री दिया होगा। फिर क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि ओ ए को जोड़ दिया गया तो आपको एंगल ओ ए बी निकालना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ओ बी को भी जोड़ दूंगा, तो इससे ये समझ में आया कि ये वाला जो एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जितना ओ ए है उतना ओ बी है, दोनों के दोनों रेडियस है। तो बताइए क्या आप मुझे इस एंगल का वैल्यू बता सकते हैं एंगल ए ओ बी का, क्योंकि अगर मैं दूसरे साइड एक पॉइंट ले लूं यहां पर डी, तो क्या एंगल एडीबी का वैल्यू आप बता सकते हैं? एडीबी होता है 180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री, 15 से माइनस करोगे तो 65 डिग्री आएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है 65 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर एसीबीडी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, इन दोनों का सम 180 होता है ये आप जानते हैं। तो अगर यहां 115 है, यहां पर 180 माइनस 115 यानी 65 डिग्री लगेगा। अगर ये 65 है तो सेंटर पर जो एंगल बना इसका वैल्यू भी आप लोग जानते हैं, 65 का दुगना होगा 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये एबी ने अगर सर्कल के ऊपर यहां पर बनाया 65, तो एबी सेंटर पर जो बनाएगा 65 का दुगना बनाएगा, 130 डिग्री बनाएगा, ये भी आप जानते हैं। अब इस ट्रायंगल पे आइए ओएबी पे, इसमें ओए बराबर ओबी है, तो OA के पीछे जो एंगल B है और OB के पीछे जो एंगल A है जो आपको फाइंड करना है, दोनों इक्वल होंगे, तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से 130 डिग्री गया, तो बाकी दोनों जो कोण है इसके लिए, तो टोटल 50 डिग्री बचेगा, और 50 का आधा मतलब 50 का आधा 25 डिग्री, और यहां भी 25 यहां भी 25 होगा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका सी उत्तर। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। तो यहां आपको x प्लस वाई का वैल्यू है 2 और 1 बाय x प्लस 1 बाय वाई का वैल्यू जो है 18/5 दिया हुआ है। तो बताइए भाई कैसे इसको हम सॉल्व करें। देखिए इसका यदि हम यूज करते हैं कि अगर यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई का वैल्यू जो है 18/5 होगा। x प्लस वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, तो 2 है। इस 2 को इससे काटेंगे 9 बार, तो एक्स वाई का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 5/9। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि जो 3xy है इसमें से 3 को दूसरे तरफ भेज दें, 3xy का जो मान होगा इसका वैल्यू हो जाएगा, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई करने पर 3xy का वैल्यू आ जाएगा 5/3 और x प्लस वाई का वैल्यू जो है ये बन जाएगा 2। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू होता है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये हम भली भांति जानते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 3xy का वैल्यू हमने निकाला है 5/3 और x प्लस वाई का वैल्यू अभी अभी देखा 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 आएगा, ये बन जाएगा 24 माइनस का 10 जो कि हो जाएगा 14/3। मतलब 4 बार कटेगा 12 से, तो 4 सही 2/3 जो है सवाल का सही उत्तर है, ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर shaped field is 1764 square. If the breadth of a rectangle is 1/3 the side of the square field and its length is 2 times the breadth, what is the cost of leveling the park at 15 rupees per meter square? तो mensuration में मैंने आपको बताया था कि prelims में आपका जो mensuration है वो हल्के level का आता है, mains में SSC CGL mains में काफी depth होता है। तो ये pre-level का question है mensuration का, बहुत आसान है, एक ही सवाल आता है, लेकिन जब mains में हम जाते हैं तो मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल के मेंस में। किसी भी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो मेंसुरेशन से आता है, ठीक है। तो प्री के हिसाब से हमने पढ़ा है और जैसे ही आप देखते हैं कि ये 1764 है तो दिमाग में तुरंत समझ में आना चाहिए कि 42 का जो स्क्वायर है 1764 है। कैसे आया तो आप कैलकुलेशन ट्रिक्स वाले वीडियो में देखना, मैंने आपको बताया है कि जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो ये वाला जो है आपका वैल्यू जो है ये डिफरेंस का स्क्वायर होता है और ये वाला जो पहला वाला वैल्यू होता है वो 25 माइनस उतना होता है, तो 25 माइनस 8 और यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो 50 में 8 कम कर लीजिए ये 42 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। तो जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का साइड है 42 और 42, तो साथ में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है भाई ब्रेथ है ये इसका एक तिहाई है, तो इसका एक तिहाई करोगे कितना आएगा 14 आएगा, ये इसका ब्रेथ है। और इसका जो लेंथ है भाई लेंथ के बारे में दिया है कि लेंथ जो है Its length is twice the breadth. तो अगर ये 14 है तो ये 28 हो जाएगा, तो इसका जो एरिया है ये हो जाएगा 14 multiplied by 28. तो इसका जो कॉस्ट होगा पर मीटर स्क्वायर का 15 दिया है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 multiplied by 28 multiplied by 15. अगर मैं 15 और 14 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 210 multiplied by 28 और 28 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में यहाँ 8 आना चाहिए, 08, ठीक है। तो यही उत्तर होगा 5880, 80 आना चाहिए लास्ट में, तो 5880 ऐसा ऑप्शन एकमात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 53 प्लस 4y स्क्वायर बराबर 53 और x माइनस 2y बराबर है 5। क्वेश्चन को देखते साथ कई लोगों को दिमाग में आ जाता है कि x को डाल दीजिए 7 और y को डाल दीजिए 1। ये अपने आप से देखते साथ सवाल में क्वेश्चन में कई लोगों को समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर ने सेट करके रखा हुआ है x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 1। और अगर आपको ये फाइंड करना है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका वैल्यू हो जाएगा 343 प्लस का 8 मतलब 351, बी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिक से भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई x माइनस 2y का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 5, इसका यदि मैं स्क्वायर करूं तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy बराबर 25, यही आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के जगह पे आप लिख सकते हैं कितना, तो 53, तो 4xy का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 53 माइनस ऑफ 25 करोगे तो 28, मतलब xy का वैल्यू जो है यह 7। अगर एक्स वाई का वैल्यू इतना है तो क्या आप मुझे एक्स प्लस टू वाई का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब के लिए जब आपको ये मान चाहिए तो आपके पास एक्स प्लस टू वाई का होल क्यूब होना चाहिए माइनस
थ्री एक्स वाई होता है तो थ्री इंटू इतना होगा, मतलब कि सिक्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई यहां पर आएगा। मतलब एक्स प्लस टू वाई का वैल्यू जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपके पास एक्स वाई है, अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो मेरे पास यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर तो दिया हुआ था, अगर मैं इसमें फोर एक्स वाई को जोड़ दूं तो यहां से एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 53 दिया हुआ है इस 53 में 4xy जोड़ दूंगा। 4xy का मतलब xy का वैल्यू है 7, 4x का वैल्यू है 28। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये बन जाएगा आपका 81। और ये जो लेफ्ट साइड में वैल्यू आया ये x plus 2y का होल स्क्वायर है, ये 9 के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब x plus 2y क्या है, x plus 2y है 9। क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप चीजों को यहां पर भी कैलकुलेशन को सारी चीजें आपको एग्जामिनर को दिखाना नहीं है, इस बात को आप समझना कि एग्जामिनर यहां पर आपके सॉल्यूशन नहीं देख रहा है, आपके ऑप्शंस को जो आपने टिक किया है वो देख रहा है। तो इसमें से जितनी सारी चीजों को आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं उतना बेहतर। तो बताइए इसका वैल्यू हो जाएगा 9 का क्यूब माइनस 6 इंटू 7 इंटू 9। अगर मैं यहां से 9 कॉमन निकालू तो अंदर आएगा 9 स्क्वायर माइनस का ये वैल्यू आएगा आपका 42। ठीक है, 9 का स्क्वायर 89 होता है, 89 माइनस ऑफ 42 करोगे तो 39 आएगा, और 99 होता है 81, 93 जा 27 प्लस 8 करोगे तो 35 आएगा, 351 यहां से भी आ रहा है। बट ज्यादा बेहतर है कि आप तुरंत यहां पर अगर क्लिक कर सके कि x बराबर 7 y बराबर 1 दिया, ज्यादा नहीं 5 सेकंड के लिए सोचिए, 5 सेकंड के लिए सोचिए, यहां पर y स्क्वायर है यहां पर x स्क्वायर है, क्या वैल्यू ऐसा डालने पर कोई 53 आ रहा है, क्योंकि देखिए ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो इसमें से कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप यहां से चालू करिए, आप यहां पर 5 तक नहीं जा सकते, 5 का स्क्वायर डालोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू 4 करने पर 100 बन रहा है, और ये वाला वैल्यू फिर नेगेटिव कैसे हो सकता है। मतलब आप यहां पर एटलीस्ट 4 के स्क्वायर से भी अगर डालेंगे तो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 64 नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर होता है 9, 36, तो यहां से आपको कम में ही रहना है। तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यहां अगर 1 डालो तो 43, 53 में 4 माइनस करने पर 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 71 सेटिस्फाइड है, 71 यहां भी सेटिस्फाइड है, तो 7 और 1 ही तो उत्तर होगा, जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू डाल के 351 तक पहुंच सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डीआई का सवाल यहां पर दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2008 2009 2010। तो 2008 2009 2010 का एवरेज प्रोडक्शन आपको निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2008 2009 2010 का कंपनी ए का एवरेज प्रोडक्शन, कंपनी ए का औसत प्रोडक्शन जो कि 1000 टन में, देखिए ये 10000 टन में ही है वैल्यूज यहां पर, तो उसकी घबराने की कोई बात नहीं, बस ये ए जो है यहां पर ब्लू वाला है, तो यहां आपको देखना होगा 460 है, ये 480 है, 580 है, और यहां पर 670 है, तो इसका एवरेज आपको निकालना है, बताइए कितना आएगा। देखिए तीनों को जोड़ी लेते हैं, 400 है और 600 है और ये 500 है, तो 1500 ऐसे ही हो गया, प्लस एक्स्ट्रा जो वैल्यू आ रहा है यहाँ 60 एक जगह आ रहा है और वहां पे 80 एक दूसरे जगह आ रहा है, प्लस 70 एक तीसरे जगह आ रहा है, मतलब 1500 ये 140 प्लस ये 210 और दे देगा। तो अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है बटा में 3, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 70, यानी 570 जो है इसका औसत हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों का एवरेज है, तीनों को सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, सिंपल है। चलिए, A number A is first increased by 15% and then reduced by 15%. The result is 782. If the same number is first reduced by 25%, then increased by 25% and then again reduced by 20%, then what will be the resulting number? तो एक संख्या है A, इसको आपने 15% से बढ़ाया, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है, 15% से बढ़ाओगे तो बन जाएगा 23/20 बन जाएगा नंबर, और फिर 15% से आपने घटाया, घटाने का मतलब इसी नंबर को घटाओगे तो ये 17/20 हो जाएगा इसका, और इसका वैल्यू कितना दिया, 782 दिया हुआ है, बराबर। तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या है। देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 23 इंटू इतना, तो ये 20 से 3 कम है, 20 से 3 ज्यादा है, मतलब 400 माइनस ऑफ 9 391 आएगा, और ये जो वैल्यू है 391 का दुगना दिया हुआ है। ठीक, तो ए का वैल्यू हो गया 20 इंटू 20, 400 इंटू 2, मतलब 400 इंटू 2 कितना हो गया, 800, मतलब जो संख्या है, अ नंबर है, चलिए ए मैंने नंबर माना था, तो नंबर कितना है, 800 है। सवाल में अब क्या बोल रहा है कि अब इस 800 को, यदि हम 800 को क्या करें, पहले हम 25% से कम करें, कम करने का मतलब 3/4 कर देना। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, 25% से कम करने के बाद इसी नंबर को हम इंक्रीज करेंगे 25% से, तो 5/4। लास्ट में अगेन इसको 20% से कम करना है, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 4/5 से एक बार और मल्टीप्लाई होगा, तो बताइए क्या आएगा। ठीक है,
बहुत सिंपल है भाई, अगर यहाँ पे 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तो कैंसिल ही होना है, 4 से अगर इसको काटोगे तो 200 आ गया, 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बताइए भाई, आसान है, आसान लग रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। यहां पर इस सवाल में दिया है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन आर्ट्स स्ट्रीम मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स बॉयज इन साइंस स्ट्रीम इन दैट ईयर। कितने परसेंटेज जो है बॉयज आपके साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर्ट्स स्ट्रीम में मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तो आर्ट्स स्ट्रीम कहां पर है, आर्ट्स स्ट्रीम में यहां पर इस बॉयज की बात हो रही है और साइंस की बात हो रही है यहां पर, तो आपको बताना है ये इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले देखिए, आप एक तरीका ये है कि आप सबको जोड़ें, इसको जोड़ें फिर माइनस करें, बट बड़े बड़े नंबर से डील करने से बेहतर है छोटे छोटे नंबर से डील किया जाए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इससे 8 ज्यादा है और ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया, डिफरेंस सेम है यहां पर 0। नेक्स्ट वाले वैल्यू की बात करें तो यहां 5 और 2 मतलब 7 ज्यादा, इसकी मैं बात करूं तो ये 2 कम हो गया -2 और इसकी बात करूं तो -3 हो गया। तो 8+7 होता है 15, माइनस ऑफ ये दोनों 2 और 3 5 हो गया, मतलब 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा। किसके रेफरेंस में परसेंटेज निकालना है, तो साइंस के रेफरेंस में, तो इसका सम करना होगा। इसके सम भी करने के लिए आप सोचिए, 40 दिया हुआ है, 42+38 जो है ये आपका 80 होता है, 41+39 भी आपका 80 होता है, 80+80+40 करोगे 200 आएगा, तो 200 का कितना परसेंटेज है यही तो पूछ रहा है। 10 यहाँ पे कट गया, 20 से काटोगे तो यहाँ 5% ज्यादा आएगा, 5% मोर, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में डी जो है मिड पॉइंट है साइड एसी का, ट्रायंगल एबीसी जो है, एबीसी इसमें जो डी है ये मिड पॉइंट है साइड एसी का, ठीक है, और ई जो है इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ई सी बाइसेक्ट बी डी। तो देखिए यहां से हमने इसको जोड़ा, डी जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है। साथ में ये बोल रहा है ई जो है पॉइंट है ए बी पर, ई एक पॉइंट है ए बी पर सच दैट, जैसे आप ई सी को जोड़ते हैं यहां से इस तरीके से, ठीक है, ई सी को जैसे आप जोड़ते हैं, तो यहां पर सवाल दिया हुआ है कि बी डी को एफ पर यहां पर काटता है, बी डी जो है इसको एफ पर काटता है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये F पर काटता है, तो ये पॉइंट है F आपका, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि AE का वैल्यू जो है 30 है, आपको EB का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ थ्योरम्स मैंने आपको बताया, जो थ्योरम नहीं बताया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहां से आप नोट डाउन करना दो थ्योरम, एक है भाई सीवियन थ्योरम, दूसरा है मैनुलास थ्योरम। तो दोनों थ्योरम आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि क्या है, डायरेक्ट आप इसका यूज करते हुए इसका उत्तर लिख सकते हैं। सीवियन थ्योरम क्या कहता है भाई, देखिए अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज बना लूं एबीसी, ठीक है, तीन सीवियन इस तरीके से हम बनाते हैं। सीवियन का मतलब आप लोग जानते हैं, बीसी पर कोई भी एक बिंदु ले लिया जाए, डी कोई भी बिंदु हमने ले लिया, एडी को जोड़ दिया, तो एडी है एक सीवियन, ठीक है। इस तरीके से हम तीन ऐसे सीवियन बनाएंगे जो यहां पर इंटरसेक्ट हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी बना दिया, हम इस तरीके के सीवियन बनाएंगे बीडी, ठीक है, बीई और सीएफ, तीन सीवियन इस तरीके के हैं कि ये कहीं पर एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एडी मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा जरूरी नहीं, कोई भी सीवियन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जाकर एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जी, सेंट्रॉइड नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि सेंट्रॉइड है, चलिए कुछ और नाम दे देते हैं, जे नाम दे देते हैं, ठीक है, पॉइंट जे पर जाकर ये मीट कर रहे हैं। तो पहले सीवियन थ्योरम क्या कहता है कि ए एफ डिवाइडेड बाय एफ बी मल्टीप्लाइड बाय बी डी बाय डी सी मल्टीप्लाइड बाय सी ई बाय ई ए, इसका वैल्यू होता है 1। अब ग्राफिकली चीजों को समझना, ग्राफिकली चीजों को समझेंगे बहुत अच्छे से याद रहेगा। ये ए दिखाई, ए एफ दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाइड बाय एफ बी, ठीक है, अच्छा ठीक है, ए एफ डिवाइडेड बाय एफ बी है, ठीक है, ए एफ डिवाइडेड बाय एफ बी, फिर बी डी, बी डी के बाद आया DC, तो BD डिवाइडेड बाय DC, इसके बाद आप आएंगे आगे EC में, EC
डिवाइडेड बाय सीई डिवाइडेड बाय ईए, इसका जो है वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर वन होता है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, सीवियन थ्योरम को। और जो सवाल आपको दिया था वो थोड़ा सा इससे और आगे बढ़कर दिया था, तो इसके बाद आता है यहां पर आपका मेनिलास थ्योरम। मेनिलास थ्योरम में क्या है, ये जो डी पॉइंट अंदर लाई कर रहा था वो बाहर आ गया, तो डी ई एफ को आप जोड़ेंगे। यहां पर भी आपका सेम थ्योरम लगता है कि ए एफ डिवाइडेड बाय एफ बी मल्टीप्लाइड बाय बी डी, ठीक है, बी डी डिवाइडेड बाय डी सी मल्टीप्लाइड बाय सी ई डिवाइडेड बाय ई ए इज इक्वल टू वन। तो अगर आप यहां पर फॉर्मूला में देखेंगे तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, ए एफ बाय एफ बी बी डी बाय डी सी मल्टीप्लाइड बाय सी ई बाय ई ए, यहां पर भी वही है। और अगले वाले में भी आप देखेंगे तो वही फॉर्मूला, ए एफ बाय एफ बी बी डी बाय डी सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी ई बाय ई ए। लेकिन ग्राफिकली आप चीजों को समझ सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा है कि आप ग्राफिक को समझे। ये ए एफ है, ए एफ में हमने डिवाइड किया एफ बी को, फिर हम आगे आए, अब बी डी जो है वो आगे जा चुका है, तो बी डी यहां पर है, ठीक, और डी से आप आ रहे हैं सी पर, तो ये वाला पॉइंट इसके बाद यहां पर आएगा। इसके बाद आप आएंगे सी से सी ई पे, तो ये वाला जो लेंथ है ये आएगा, ई से आप जाएंगे ए पर। इस तरीके से आपको यहां पर समझना है, ए से एफ आए, एफ से बी गए, बी से डी आए, डी से सी, सी से ई आए, ई से ए गए। यहां पर भी आपने यही किया, ए से आप आए एफ में, एफ से आप आए बी में, बी से आप आए डी में, डी से आप आए सी में, सी से आप आए ई में, ई से आप आए ए में। तो जो वैल्यूज आए उसको एक एक करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करते गए, ए एफ बाय एफ बी बी डी बाय डी सी मल्टीप्लाइड बाय सी ई बाय ई ए जो है ये वन होता है। इस थ्योरम को यूज करना है आपको, ठीक है, इसी थ्योरम को। अब ये जो मेनिलास थ्योरम मैंने आपको बताया, इसी थ्योरम पर आधारित वो प्रश्न है। एक बार और डायग्राम में बनाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप समझिएगा। यहां पर डायग्राम कुछ इस तरीके से हमने बनाया था, ए बी सी, ठीक है, ई जो है बिंदु यहां पर है, इसी को हमने जोड़ा हुआ है और इसको इस तरीके से जोड़ा हुआ है, सच दैट यहां पर ये जो पॉइंट है डी जो था मिड पॉइंट था इसका, और ये एफ जो है इसका मिड पॉइंट बन गया इसका, तो ये ई है। अब आप थोड़ा सा समझना चीजों को कि कैसे हम इसको कनेक्ट करके वैल्यू निकालें इसका, ठीक है, कैसे हम चीजों को कनेक्ट करके इसका वैल्यू निकाल सके, क्योंकि आपको जो वैल्यू दिया था 30 दिया था और आपको इसका वैल्यू निकालने को बोला गया, तो कैसे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर यहां पर हम इस चीज को समझे, इस ट्रायंगल को देखना, यहां से बी से स्टार्ट करते हुए अगर मैं मेनिलास थ्योरम लगाऊं तो यहां से बी ई के बाद आएगा ई ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी ई के बाद आएगा ई ए, इसके बाद मैं आऊंगा ई सी ए सी और सी डी पर, तो ए सी बाय ए सी डिवाइडेड बाय सी डी आएगा मल्टीप्लाइड बाय, यहां से स्टार्ट करेंगे तो डी एफ डिवाइडेड बाय एफ बी आएगा इज इक्वल टू किसके है, वन के बराबर, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बी ई हमको फाइंड करना है, बी ई मतलब ई बी हमको फाइंड करना है, ए ई का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 30, ए सी और सी डी की बात करूं तो ए सी जो है वो सी डी का दुगना है कि नहीं, तो ए सी जो है सी डी को दो बार काटेगा। डी एफ की बात करूं या एफ बी की बात करूं, ये तो मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल है, तो ये वन बन गया इज इक्वल टू वन, तो दो जो है इसको 15 बार काटेगा, तो बी ई का जो वैल्यू है ये कितना है, 15 है, 15 है, ठीक है। तो ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ये आपके एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 1 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, साइन ऑफ 2a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2a माइनस b बाय 2 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, जिसमें कि ये चाहे 2a प्लस b बाय 2 हो चाहे 2a माइनस b बाय 2, दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन जो है ये 60 डिग्री होगा, कॉस जो है ये 30 डिग्री होगा, और 2a प्लस b बाय 2 जब 60 डिग्री के बराबर है तो दो को दूसरी तरफ भेज दिया जाए तो बन जाएगा कितना, तो 120 डिग्री बन जाएगा। साथ में अगर ये 30 डिग्री है तो 2a माइनस b जो है ये 60 डिग्री बन जाएगा। आपको किसका वैल्यू निकालना है, 3a माइनस b, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 4a आएगा इज इक्वल टू किसके है, तो 180 डिग्री के, मतलब a का वैल्यू जो है ये है 45 डिग्री। तो चाहे आप a को यहां डाल दीजिए चाहे ये यहां डाल दीजिए, या दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, उससे भी आपका वैल्यू आ जाएगा, दोनों को माइनस करने पर ये कट जाएगा, b माइनस भी होता है 2b, 2b हो गया, और इसको माइनस करने पर 60 आ रहा है, ठीक है, इसको माइनस करने पर 60 डिग्री आ रहा है, b का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक, तो b का वैल्यू आ गया आपके पास 30। आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है a माइनस बी का, a माइनस बी का 3 टाइम्स, तो साइन ये 15 हो जाएगा, 15 का 3 टाइम्स मतलब 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2,
ठीक है, 1/√2 मतलब बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी इफ द नंबर 5306p2 इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए आपको यहां क्या दिया है, 5306p2 जो है ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 3 के विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम में हमने देखा हुआ है, और नंबर सिस्टम में हमने ये देखा था कि जो सम ऑफ डिजिट्स होता है 3 से विभाजित होने चाहिए। तो जब सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, इसमें आप देख पाएंगे कि जो 6 है तो 3 से विभाजित है, 3 भी विभाजित है, 0 भी विभाजित है, मतलब ये 5+2 कितना हो गया 7 प्लस पी जो है ये 3 से विभाजित होना चाहिए। मतलब सबसे छोटा नंबर जो इसके बराबर होना चाहिए वो होना चाहिए 9। इस केस में पी जो है ये 2 होगा। ये 12 भी हो सकता है जिस केस में पी का वैल्यू जो है 5 होगा। इसका वैल्यू जो है ये 15 भी हो सकता है जिस केस में पी का वैल्यू जो है ये 8 होगा। इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि पी जो है इस केस में फिर 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, लेकिन पी एक डिजिट है तो 2 अंकों वाली संख्या संभव नहीं है। तो न्यूनतम मान जो है पी का वो 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8 होगा। बीच का वैल्यू नहीं लेना है, जो मैक्सिमम और मिनिमम इनके वर्गों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इसका वर्ग मतलब 8 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग जो कि हो जाएगा 64 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 60। बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स इन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12, सी डी इज इक्वल टू 18, डिस्टेंस बिटवीन देम द कॉर्ड ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। इस तरह के प्रश्न को मैंने आपको कॉर्ड्स वाले वीडियो में, सर्कल्स का जो पार्ट 2 वीडियो था, ज्योमेट्री के पार्ट 8 वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है, AB का लंबाई ज्यादा है तो AB, अच्छा AB का लंबाई छोटा है तो AB पीछे रहेगा, CD थोड़ा पास रहेगा आपके डायमीटर के। साथ में दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 3। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बना दूं, क्योंकि पैरेलल है ना, तो दोनों पर ये पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 3 है। इस छोटे से लेंथ को, इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं, ON लेंथ को X मान लेते हैं। यहां से OB भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। पूरा का पूरा AB जो है 12 था, तो MB का वैल्यू 6 होगा और MA का वैल्यू भी 6 होगा, CD का वैल्यू 9 होगा और CN का, CN और ND दोनों का वैल्यू 9 होगा। तो यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है OMB, एक बन रहा है OND। इन दोनों में रेडियस हाइपोटेन्यूज है क्योंकि OB भी रेडियस है और OD भी रेडियस है। तो R का स्क्वायर जो है, पहले वाले ट्रायंगल OMB से आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 3 प्लस x का होल स्क्वायर। दूसरे वाले से ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर हम इसको देखें तो बन जाएगा 36 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस यहां पर 81 आएगा, करेक्ट। x स्क्वायर कट गया, 6x का वैल्यू आ जाएगा 81 माइनस ये बन जाएगा 45, माइनस करने पर इसका वैल्यू कितना आएगा, यहां पर आपका 6 आएगा 6 टाइम्स, ठीक है, और इसको माइनस करने पर 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू जो है ये आपका 6 से कटेगा तो यहां पर 6 आ जाएगा, ठीक है। सवाल में आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, तो x या तो आप यहां पर डाल सकते हैं या तो यहां पर डाल सकते हैं, दोनों से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आपने x का वैल्यू निकाल लिया, तो आप x को यहां पर किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां पर डालोगे तो आएगा 36 प्लस 81 तो बन जाएगा कितना, तो 117 का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये है भाई r का वैल्यू। तो इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो वैल्यू यहां पर बन जाएगा 3√13। क्लियर है? चलिए, एक आखिरी सवाल और देखते हैं। यहां पर 25वें नंबर का सवाल, जो कि आपके 25 सवाल होते हैं आपके सेट में, आखिरी सवाल है ये। अ शॉपकीपर अलाउज 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम, इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इफ ही गिव्स 8% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 16% डिस्काउंट ऑन एन आइटम विच इज मार्क्ड फॉर 1800, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, इन दैट केस। तो देखिए, यहां पर इस 1800 का कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने को बोला गया। दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि एमपी डिवाइडेड बाय सीपी जो है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट होता है। देखिए, आपने जब यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट कहा कि यदि ऐसा होता, मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता
कि आप 8% का डिस्काउंट देते हैं जिसके बजाय 16% के देना है। तो देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस चेंज होता है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों चेंज नहीं होता। आपने डिस्काउंट परसेंट चेंज किया तो प्रॉफिट परसेंट अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि आपका एमपीसीपी सेम रहे, सेलिंग प्राइस चेंज होता है तो ऐसे कंडीशन में एमपी बाय सीपी का जो रेशियो है ये चेंज नहीं होता। इसी चीज का आपको यहाँ पर फायदा उठाना है। इस फॉर्मूले को हमने पहले भी देखा है और सवाल भी किया है इस प्रकार का, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सेम पैटर्न का जो आपने प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 जहां मैंने डिस्काउंट आपके साथ डिस्कस किया वहां पर इस तरीके का प्रश्न हमने देखा था। तो डायरेक्ट आप देखेंगे 16% डिस्काउंट, 100 में इसको डिस्काउंट को माइनस करोगे तो बन जाएगा 16, माइनस करोगे तो बनेगा 84, ठीक है। ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है तो इस केस में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 8% का, तो 108 होगा। सेकेंड वाले कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा पूछ रहा है तो 100 प्लस पी मान लेते हैं, इस पी का ही वैल्यू आपका आंसर होगा। इस कंडीशन में आपका डिस्काउंट कितने का है, आप 8% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब यहां 92 वैल्यू आएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। अगर मैं इसे 12 से काटूं तो ये वैल्यू बन जाएगा 9, और अगर इसे 12 से काटूं तो बन जाएगा 7। 9 को इससे मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा ये 100 प्लस पी का वैल्यू देगा आपको। 9 मल्टीप्लाइड बाय इतना करिए, देखिए ये एक्चुअली कितना है 13 पॉइंट, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 13 से काट लीजिए, 13 पॉइंट, ठीक है, 1428 इसका वैल्यू होगा। और अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 117, तो 13 ही दे देगा आपको। प्लस यहां पर 14 है तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 होता है, मतलब लगभग इसका वैल्यू 118.26 होगा, ठीक है। और ये 100 प्लस पी का वैल्यू है तो पी का वैल्यू जो है 18.26 के आसपास रहना चाहिए। तो 2 दशमलव स्थान तक एग्जैक्ट निकालना है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर 26 है ना, तो 28 और है। इसको पूरा का पूरा अगर 9 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 56, ठीक है, और 9 2 18 होता है 23 आएगा, 9 × 4 36 होता है तो 38 आएगा, 9 1 9 प्लस 3 करोगे तो 12 आएगा, ठीक है, ये 117 बन जाएगा, यहां पर 118 बन जाएगा, ठीक है। तो 118.28 आ रहा है और 36 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो वैल्यू जो है इसके करीब होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना था 2 दशमलव तक सही, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब मैं इस वीडियो को रोकता हूं। तो कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी हमने यहां पर देखा इस वीडियो में, भरपूर मात्रा पे आपका रिवीजन भी हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिस सेशन में हम 2 जो है मॉडल टेस्ट आपके SSC CGL से आए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराएंगे, 2 SSC CHSL के कराएंगे, कुछ हमारे क्रिएटेड रहेंगे प्रैक्टिस सेशन। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि जो कंटेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे हैं इसमें हम और अच्छा कंटेंट करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन और अच्छा हो। थैंक यू सो मच। इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को रोकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।